बुझी रे कमरा। देखो मेरा बेटा आ गया। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी मैं स्कूटी में बैठ कर अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं अभी मार्केट जा रही हूँ क्योंकि नवी के स्कूल में कल पूल पार्टी है, तो मैं सामान लेने जा रही थी। तो अभी अभी ग्रुप से मैसेज आने लगे तब मैं यहाँ पे बैठ के जो व्लॉगिंग करने लगी। मैं कब व्लॉग भी बना लेती हूँ और सामान लेने भी चलते हैं। तो सब सोए हैं देखो पूरे घर में हमारे, बाहर से बैठी हूँ। मैं अभी स्कूटी में जा रही थी तो मैसेज कर रही थी ना कि ड्रेस कहाँ पर मिलेगी, तो नवी के लिए स्विमिंग सूट लेने जा रही हूँ। मैं कल स्विमिंग मतलब पूल पार्टी है उनके स्कूल में, तो इसलिए। और आज मौसम सुबह बारिश आ रही थी, अभी देखना धूप आ गई है, तब मैं सोचूं कि कल भेज देती हूँ। पता नहीं यहाँ पे कहाँ मिलेगा, डीकैथलॉन में तो मिल जाएगा, बट कोई ग्रुप में कह रहे थे कि हमारी शॉप में, तो वेट कर रही हूँ मैं। अभी देखते हैं क्या एड्रेस बताते हैं, तो वहीं पर चलते हैं थोड़ी देर में और फटाफट जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे। 4:30 हो गया है मुझे घर में। तो गाइस घर आके मैंने खाना वगैरह बनाया, लेट हो गया था, मतलब 7 बज गया था खाना वगैरह बनाने में। अभी मैं रेस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा बैठी हूँ, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मैं लाई थी ग्लासेस, ये देखो स्विमिंग ग्लासेस है, एक ये है स्विमिंग कैप, और दिखाओ ना बेंच क्या है, ऐसे नहीं ऐसे, ये है क्रॉक्स। हमारा चप्पल भी पहननी है क्या? नंगे पर जाओगे, सूज के सूज बनोगे, ये कितने प्यारे प्यारे है ना, ये पिंक नेक नेक ये लिया मैंने, तो रख देते हैं क्योंकि कहीं पे कीरिंग लगाना नहीं, क्यूट सा है, संभाल कर रख देती हूँ, प्यारा लगता है ना, मजा आता है सर। तो बस अभी जब लोग मैच देख रहे हैं, आजकल आईपीएल चल रहे हैं, बस कमरा तो साफ ही है। मैं इसकी ड्रेस वगैरह वो कर रही थी, नाम लिखना पड़ेगा ना, गॉगल्स वगैरह में चिट लगाना पड़ेगा, तो मैं चिट लगाती हूँ। सुबह स्कूल जाना है तो बस लगाती हूँ, बस बारिश ना हो, बारिश होगी तो पूल पार्टी बराबर हो जाएगी। और आज भी जो है बारिश हुई थी, इसलिए बच्चे को तो देखो, अपने बच्चे को तो देखो, गुदगुदा है वे नवी की, तो गुदगुदा है वे नवी, तो हड्डी ऐसा हडेला है, हडेला चुपती इस गड्ढिया पतला है ना। बस यही है गाइज, और अब मिलते हैं सुबह, इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइज गुड मॉर्निंग, हुलिया ऐसे हो रहा है, नवी के लिए नाश्ता वगैरह बना दिया मैंने, तो अभी मैं नवी को रेडी कर रही हूँ, तो फटाफट स्विमिंग सूट पहनाती हूँ। और मैं नवी के पापा से पूछी थी कौन सी ड्रेस मैं इसको पहनाऊँ आज, फर्स्ट क्राइस से जो मंगाई थी मैंने दिखाई थी ना, एक ये है और एक ये ब्लू है, तो देखते कौन सा पहनाते हैं। आ जाओ नवी पहले, चलो कपड़े पहनाते हैं। वैसे नवी कह रही है लो मैंने पहन दिया, दिखाओ तो देखो मुड़ो, ये स्विमर लग रहा है। ओ मैं कैसे लग रहा हूँ, कितनी गंदी से आ रही हूँ, ये देखना पीछे को जाओ थोड़ा स्विमर जी, ये क्रीम लगा दूँ, कैसे लग रहा है चिपड़ू मेरा कैसे करेगा आज बेटा, ऐसे करूँगा मैं देखो, ये देखो सीसे में यहाँ देख, तो कैमरा फंगा। तो गाइस नवी के स्कूल छोड़ के आ गई मैं भी, तो अभी मैं यहाँ पे तैयार हुई हूँ। और आपको पता है मैं तैयार क्यों हुई हूँ आज, क्योंकि आज है वट सावित्री, तो आप सभी को वट सावित्री की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे भी व्रत है आज, तो मैंने पूजा वगैरह कर ली है, तो कुछ और डाला नथ वगैरह कुछ नहीं निकाली मैंने, मांगटी का वगैरह, तो बस मैंने अभी ये पहना है। और ये साड़ी मेरी बहुत, आज मैंने काफ़ी पुरानी साड़ी निकाली अपनी, ये मेरे शादी के टाइम पर पहनी थी मैंने, उसके साथ मैंने पिछवाड़ा, कितना सुंदर लग रहा है। कुछ वीडियो वगैरह नहीं बनाई है, 11:30 हो गया, नवी का टाइम हो गया, सुबह से पानी भी नहीं पिया मैंने, अब मैं पानी पीती हूँ, थोड़ा चाय पीती हूँ और थोड़ा सा रील बनाने की कोशिश करती हूँ और फोटो खिंचाती हूँ। मुझे साड़ी अभी पिछवाड़ा मैंने नीचे ही रख दिया, with you I don't ever feel calm, I can feel the sweat inside my palm, play with me like cats and a string। तो गाइस फोटो वोटो खींच लिए, बहुत पसीना हो गया, ऊपर इतनी तेज धूप हो रही है ना, तो 11:44 हो गए हैं। ये देखो नवी का उसको नाश्ता कराया था, यहीं पे रखा हुआ है, उसे नाश्ता करा भी नहीं है, बाल कैसे हो गए। तो बस मैं अभी फटाफट से इसे उतारती हूँ और नवी को स्कूल लेने का टाइम हो गया, स्कूल लेने जाती हूँ। पहले चाय पीती हूँ, पानी पी लेती हूँ, कुछ तो पी लेती हूँ, बस मन नहीं करता है साड़ी उतारने, मैं सोचती थी पहने रहती हूँ जब जब डब्बू आते हैं, बट वो पता नहीं 3-4 बजे तक आएंगे, तो मेरे बस की तो है नहीं, या तो दोबारा पहन लूँगी है ना, बस उससे दोबारा पहन लूँगी, चलो देखते हैं उस समय क्या होता है।
गाइस मैं पहुंची हूँ नलके स्कूल के बाहर और मैंने सोचा लेट हो गई है, बट अभी कोई भी नहीं आया देना, कोई भी पेरेंट्स नहीं आए यहाँ पे मेरे अलावा, बट ये गोले वाला गोला जो भेजे हैं भैया वो बैठे हैं अभी पेड़ में, वो बैठे हुए हैं और नहीं तो मेरे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं आया है। चलो वेट करती हूँ क्योंकि मैंने अभी एक शॉप में गई थी ना, मैंने वहाँ पे पैसे देने थे, कल मैंने नलकी जो कैप ली है स्विमिंग वाली तो उसके पेमेंट करना था, बट वो भैया तो है ही नहीं अभी, वहाँ दुकान में बंद थी लॉक थी तो इसलिए मैं आ गई। तो 12:10 हो गए हैं, अभी तक तो कोई भी पेरेंट्स नहीं आया, धूप के चक्कर में कोई नहीं आ रहा आजकल। ऐसा तो नहीं कि जब छुट्टी पहले हो गई हो और मैं लेट आई हूँ, ये भी हो सकता ना, कभी ऐसा डाउट हो जाता है अगर अकेले हो यहाँ पे तब। ऐसे आवाज़ आ रही है, बस आ ही रहे होंगे, आज फोटो वोटो खींच रहे होंगे, आज बस खाना पीना है और मौज करना है। और आज से हॉलीडेज़ हैं नवी की, अब 3 जुलाई को स्कूल खुलेगा। फोटो कैसे आ रही है? आप तो पूरा ढक के आए हो, मैं देखो कैसे आ रही हूँ, पूरा पैक हो के आई पूरा है? देखो मेरा बेटा आ गया, खड़े होकर दिखाओ जरा, मिस कीपर दिखाओ ना, देखो नहीं क्या बहुत मजा आ, ये देखो सब बच्चों ने आज हल्की ड्रेस पहनी है। Please Lord give me a sign, a sign. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. क्या कर रहे हो नव्यांश आप? गेहूं छाप कर रहे हो? ये देखो मैं भी कर रही हूँ गेहूं साफ। स्कूल से आने के बाद नवी सो गया था और अभी गेहूं साफ कर रहे थे, हमने नए गेहूं लिए तो सुखा रहे हैं उसे, तो नवी भी आ गया यहाँ पे साफ करने। नवी कह रहा है घूमने चलो घूमने चलो, तो चलो मैं अब चाय वाय वगैरह बनाती हूँ। यहाँ पे मम्मी जी भी गेहूं साफ़ कर रही हैं, हवा में धूल उड़ा रही है ना, तो बस हम साफ़ करके सुखा के ही रखते हैं गेहूँ। अब 5:30 हो गया है, बस अब घूमने का टाइम भी हो गया है। हम आए थे जियो मार्ट में तो नवी को मिकी माउस दिखा, तो यहाँ पे नवी मिकी माउस में खेलने में लग गया है। आ जाओ नवी, नवी चलो चलते घर, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं।